हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का लेवल 1। ठीक है, 17 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या दिया है। इफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ए प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन ए क्यूब प्लस 1/a³ इज इक्वल टू कितना आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूले लगने वाले हैं, जैसे कि a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब या फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के। ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, a प्लस 1/a इक्वल टू कितना आएगा, 3। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। वो तो हमारे पास ऐसे तो कुछ कोई फॉर्मूला नहीं है ए क्यूब प्लस 1/a³ का, लेकिन हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला, ए प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² b 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो इस टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ए क्यूब प्लस 3a² b, बी की वैल्यू है 1/a, प्लस 3ab² मतलब 1/a², प्लस बी क्यूब मतलब 1/a³। इसको बस सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, ए क्यूब प्लस, ये देखो एक ए कैंसिल हो गया, 3a प्लस 3/a प्लस 1/a³। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम ये दोनों टर्म पास पास ले लेते हैं, है ना, और यहाँ से अगर देखोगे तो 3 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस 1/a। ये किसका फॉर्मूला हमें मिल गया, a अपॉन a प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब। लेकिन हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है उसकी, 3। तो इस पूरी टर्म की जगह हम 3 लिख देते हैं। इसका क्यूब इज इक्वल टू, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a की जगह हम रख देंगे 3। सिंपल है, 3 क्यूब कितना आएगा, 27। ये देखो 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9, प्लस 9 है, LHS में आकर हो जाएगा माइनस 9, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1/a³। तो हमें हमारी वैल्यू तो मिल गई, 27 माइनस 9 कितना आएगा, 18, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1/a³। मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, वैल्यू है 18, ऑप्शन आएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, देन ए एंड बी फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिवली आर। ओके, जो भी दिया है उसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें टर्म दी गई है 3 - √5 / 3/3 + 2√5 इज इक्वल टू ए रूट 5 - b। हमें वैल्यूज निकालनी है a और b की, और वो दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये भी हमें नहीं भूलना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक तो हम जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, है ना, रैशनलाइज करेंगे। क्या आएगा वो, मतलब न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। क्या आएगा,
थ्री प्लस टू रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस टू रूट फाइव डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए रूट फाइव माइनस बी। ठीक है, चलो क्या आएगा, थ्री माइनस रूट फाइव इंटू थ्री माइनस टू रूट फाइव होल डिवाइडेड बाय ये कितना आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, पहले तो हम थ्री से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में रूट फाइव से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव। ठीक है, ओके, आगे थ्री से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, नाइन माइनस थ्री इंटू टू सिक्स रूट फाइव माइनस थ्री रूट फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस टू रूट फाइव इंटू फाइव रूट फाइव फाइव आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आएगा माइनस इलेवन। चलो अभी देखो, नाइन प्लस फाइव इंटू टू टेन, नाइन प्लस टेन कितना आएगा नाइनटीन माइनस ये देखो रूट फाइव की टर्म है तो माइनस सिक्स माइनस थ्री आएगा माइनस नाइन रूट फाइव डिवाइडेड बाय माइनस इलेवन इज इक्वल टू ए रूट फाइव माइनस बी। मतलब रूट फाइव के साथ जो टर्म है वो है आपकी ए वाली टर्म। मतलब पहले हमें माइनस नाइन रूट फाइव प्लस नाइनटीन होल डिवाइडेड बाय माइनस इलेवन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, देखो सेपरेटली हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है माइनस नाइन रूट फाइव अपॉन माइनस इलेवन प्लस नाइनटीन अपॉन माइनस इलेवन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, नाइन रूट फाइव अपॉन इलेवन माइनस यहाँ आएगा माइनस नाइनटीन अपॉन इलेवन इज इक्वल टू ए रूट फाइव माइनस बी। ठीक है, सो कंपेयर करेंगे तो ये है आपकी ए की टर्म, मतलब ए की वैल्यू कितनी है नाइन बाई इलेवन, रूट फाइव नहीं लेना, ठीक है रूट फाइव की वैल्यू नहीं लेनी होगी आपको, और बी की वैल्यू है नाइन अपॉन इलेवन नाइनटीन अपॉन इलेवन, नाइन बाई इलेवन नाइनटीन अपॉन इलेवन। चलो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ओके नाइन बाई इलेवन नाइनटीन अपॉन इलेवन, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्वेंटी क्वेश्चन, ओके इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखो रूट के फॉर्म में है तो दिमाग में एक ही आना चाहिए कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, टू रूट सिक्स, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव। अब रैशनलाइज कैसे करोगे, थ्री टर्म्स है ना, तो इसको हम ये वाला मेन साइन पकड़ के इसको निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा, रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, अगेन रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, कितना आता है टू रूट सिक्स इंटू रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव होल डिवाइडेड बाय ये देखो ये है आपकी ए बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू प्लस रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट फाइव ब्रैकेट स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, टू रूट सिक्स से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, टू इंटू रूट ट्वेल्व है ना, प्लस कितना आता है टू रूट एटीन माइनस टू रूट थर्टी होल डिवाइडेड बाय, पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आता है ए स्क्वायर मतलब टू प्लस टू ए बी मतलब रूट सिक्स, ओके टू रूट सिक्स प्लस टू ए बी
प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना आता है 3 माइनस 5। ओके अब देखो हमने यहाँ 2√6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो पता चलना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस टर्म को अगर देखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यही टर्म मैं एज इट इज रिपीट करते हूँ, मतलब बस क्या किया है मैंने, उसकी 2√6 से मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये देखो 2 + 3 = -5, यहाँ 2√6, 2 + 3 = -5, ये मतलब 0 हो गया है ना। तो बची कौन सी टर्म, 2√6 और ये वाली टर्म एज इट इज है ना, ये कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √2 + √3 - √5, बहुत ही सिंपल था। चलिए अभी ये क्वेश्चन 21, इफ 25 raised to x minus 1 = 5 raised to 2x minus 1 - 100, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ x। कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं पहले हम ये 5 को LHS में शिफ्ट कर देते हैं और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिखती हूँ है ना, -5 raised to 2x minus 1। अब ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट, 2x - 2 - 5 raised to 2x - 1 = कितना आता है -100। ठीक है, तो इसके आप आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे हम, लेंगे ऑप्शन की हेल्प। यहाँ पर हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ऑप्शन ए अगर चेक करेंगे, x = 3 लिया तो LHS = RHS मैच होना चाहिए, बस यही हमें देखना है। ओके चलो x = अगर 3 लिया तो क्या आएगा आंसर, सो 5 raised to 3 into 2 - 2 - 5 raised to 2 into 3 = 6 - 1, आंसर कितना आना चाहिए -100। आता है क्या देखते हैं हम, 5 raised to कितना आएगा 3 into 2 = 6, 6 - 2 कितना आएगा 4 माइनस 5 raised to 5, 5 raised to 4 कितना आता है, 5 का क्यूब कितना आता है, 5 cube = 125, 5 raised to 4 मतलब 25 का स्क्वायर है ना, 625, ठीक है 625 माइनस, चलो ये भी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम क्या करते हैं 5 raised to 4 को कॉमन निकालते हैं, क्या आंसर आता है ये देखते हैं ना। ये देखो 5 raised to 4, इसको भी मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन करती हूँ, 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो 5 raised to 4 - 5 raised to 4 × 5 raised to 1 है ना, तो 5 raised to 4 अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहेगा 1 - 5 है ना, तो 5 raised to 4 की वैल्यू कितनी होती है 625 × -4 = −100, कभी नहीं होगा, सो ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी क्या है, x = 2, ओके x = 2 रखते हैं हम, क्या उसकी वैल्यू रखने से आंसर -100 आता है, ये देखना है हम, ऑप्शन रखेंगे बी x = 2 है ना, 5 raised to 2 × 2 - 2 - 5 raised to 2 × 2 - 1 = चलो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2 - 5 raised to 2 × 2 = 4 - 1 = 3 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब कितना आता है 25, 5 का क्यूब आएगा 125, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो आंसर आएगा -100। सो यस, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x = 2 होना चाहिए, सिंपल है।
यहां पर इफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. कोई बात नहीं है, एक्स की वैल्यू तो मालूम है हमें, इससे हम 1 बाय एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना. एक्स की तो वैल्यू है, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3. इसको भी हम रैशनलाइज करके अच्छी सी वैल्यू निकाल सकते हैं. इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं. कैसे करोगे, 2 प्लस रूट 3 अपॉन a स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3. सो इसका आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3. बहुत सिंपल सी टर्म है. अभी हमें क्या क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट 3 उसका भी स्क्वायर. देखो इसको डिनोमिनेटर में मत लिखना, हमने हमारी ये वैल्यू कौन सी है, 1 बाय एक्स की वैल्यू है ना. तो ब्रैकेट का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर. अगेन ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, है ना. देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, और ये प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3. तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 14. अब कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब 2 माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर. बस जो भी है निगेटिव करना है इसको, बाकी कुछ नहीं है. कितना आया था हमारा इसका आंसर, 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3, यहाँ पर भी 4 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3. अभी माइनस से मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 4 रूट 3 माइनस 7 माइनस 4 रूट 3. अब देखो 7 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 रूट 3. सो इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, रिस्पेक्टिवली 14 एंड माइनस 8 रूट 3. ये वाला अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, 4 रेज टू 44 प्लस 4 रेज टू 44 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है. 4 रेज टू 44 प्लस 4 रेज टू 44 इज इक्वल टू 4 रेज टू x. देन x की वैल्यू कितनी है ये पूछा है उन्होंने, तो कैसे करोगे आप इसको, ये देखो सिमिलर टर्म्स हैं, है ना. मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे टर्म है, x प्लस x प्लस x प्लस x, आप इसको क्या लिखोगे, 4 टाइम x 4x लिखोगे. यहाँ पर भी बस यही करना है, बस दिखने के लिए इसको डिफिकल्ट दिया है उन्होंने, 4 टाइम्स 4 रेज टू 44 सिंपल है ना, इज इक्वल टू 4 रेज टू x. अब देखो बेस तो सेम है तो पावर की होगी एडिशन, सो 4 रेज टू 1 प्लस 44 इज इक्वल टू 4 रेज टू x, राइट. सो 4 रेज टू कितना आएगा यहाँ पर, 45 इज इक्वल टू 4 रेज टू x.
अगर बेस सेम है तो पावर अगर इक्वेट करना है आपको तो इनकी पावर भी कैसे होती है, इक्वल होती है। सो हमारे पास एक्स के वैल्यू आएगी 45। ये तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था।